दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, हल्का 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 अपने पैरों को इस तरीके से टैप कर लें, धीरे 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 धीरे। अब ज़रा अपने एंकल्स पर अपना ध्यान लेके आते हैं, ज़रा अपनी एंकल्स को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल करते हैं। तो पूरा 360 डिग्री इस तरीके से घुमाएं 10 टाइम्स, 2, 3, 4। जैसे आप योगासन के पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वार्म करते हैं, उसी तरीके से प्राणायाम या मेडिटेशन के पहले भी अगर अपने पैरों की अच्छी स्ट्रेचिंग कर लें, गर्दन, कंधों, स्पाइनल कॉर्ड की बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग कर लेना, तो इससे आप काफ़ी लंबी देर तक आराम से बैठते हैं और आपकी जॉइंट्स की स्टिफनेस भी धीरे धीरे दूर होती है। तो पहले हम ये सारे जेंटल स्ट्रेचेस करेंगे प्राणायाम करने के पहले। एंकल्स को अच्छी तरीके से हमने एक्टिवेट कर लिया। आप ज़रा घुटने के अराउंड की मसल्स, क्योंकि जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो आपकी एंकल्स, आपके घुटनों का फ्लेक्सिबल होना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ताकि आप ज़्यादा लंबी देर तक आसानी से बैठ सकें। अब अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लिया, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसा लिया, अपने हाथ की मदद से थाई को चेस्ट की तरफ लेके आइए, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखिए, ऐसे झुकी ना हो, सीधी रखिए, कान कंधे से दूर। अब धीरे धीरे इसको भी, अपने घुटने को भी ऐसे 360 डिग्री ऐसे घुमाएंगे 10 टाइम्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने दाहिने पैर को आराम से मैट पर रख दे, बाएं पैर को इसी तरीके से उठाएं, उंगलियों को फंसाएं, थाई के नीचे रखें, चेस्ट की तरफ अपनी थाई को लेके आएं और 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब क्लॉकवाइज राइट पैर और लेफ्ट पैर से हो गया है। अब हम राइट पैर को फिर से उठाएंगे, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे, थाई टुवर्ड्स योर चेस्ट, कीपिंग योर स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट, कान कंधे से दूर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1, 2, 3। पूरा छोटा छोटा ऐसे छोटा छोटा चक्कर ना बनाइएगा, बड़ा चक्कर ऐसे 5, 4, 3। इससे हैमस्ट्रिंग्स भी फ्लेक्सिबल होंगी, घुटने के आसपास की जो मसल्स हैं वो भी मजबूत होंगी, थाइस के अराउंड की मसल्स भी मजबूत होंगी। तो जब आपके घुटने के अराउंड की मसल्स पर आप काम करते हैं तो घुटने जो है दर्द नहीं करते हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को फिर से फंसा लिया, थाई की तरफ लेके आए हैं, कमर गर्दन को सीधी रखा है। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब फिर से अपने पैरों को आराम से मैट पर ड्रॉप कर दें, दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें। अब आराम से क्रॉस लेग पोजीशन पे फिर से बैठें, ज़रा अपनी स्पाइनल कॉर्ड, हिप जॉइंट्स, कमर और गर्दन को भी आराम से कुछ स्पाइनल ट्विस्ट की मदद से इन जॉइंट्स पर काम कर लेते, जिससे ये सारी प्रैक्टिसेस मदद करेंगी हमें अच्छी तरीके से बैठकर अभ्यास करने में। तो अपने राइट पाम को लेफ्ट नी के ऊपर रखें और फिर लेफ्ट पाम को बॉडी के पीछे रखें और गर्दन को घुमा दें, चेहरे को घुमा दें, लुक बैक और अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ से पीछे देखें, सांस लें, सामने देखें, लेफ्ट पाम टू द राइट नी, लुक बैक, राइट पाम, लेफ्ट नी, लुक बैक, ऐसे ऐसे साइड से देखें, जरा लेफ्ट पाम, राइट नी, लुक बैक, ऐसे पीछे देखना है, ऐसे सामने ना देखिएगा, पीछे देखिए, चेंज चेंज चेंज, सांस लीजिए सामने, सांस छोड़िए पीछे देखिए, सांस लीजिए सामने, सांस छोड़िए पीछे देखिए। तो पेट पर जो इसका इफेक्ट आ रहा है इसको जान के रखें, ऐसे चेंज 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 एंड लास्ट होल्ड करें, दूसरी तरफ भी होल्ड करें
और रेस्ट करें। अब ये अभ्यास हमने थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है कि आप जब आराम से अपनी साधना में लीन हो तो आपको किसी भी तरीके के जॉइंट्स में पेन आपको तकलीफ ना दे। अब हम आज का पहला अभ्यास शुरू कर रहे हैं जो कि है योगिक ब्रीदिंग। ठीक है, 4 काउंट इनहलेशन, 4 काउंट एक्सहलेशन, ताकि टेक्निक को अच्छे से समझ पाएँ। अच्छी तरीके से और समझने के लिए राइट पाम को अपनी बेली के ऊपर रख लें, लेफ्ट पाम को अपनी चेस्ट के ऊपर रख लें, गहरी लंबी सांस लें, पेट को फुलाएंगे गुब्बारे की तरह, पहले पेट फूलेगा, छाती फूलेगी, गर्दन तक पूरी सांस भरने की वजह से कंधे भी अपने आप ऊपर जाएंगे, आप इनको उठाएंगे नहीं। जब सांस छोड़ेंगे पेट खाली कर देंगे, छाती खाली कर देंगे, और छाती खाली करने के बाद गर्दन तक से भी सांस बाहर जाने की वजह से कंधे नीचे जाएंगे। चलें अभ्यास कर रहे हैं योगिक ब्रीदिंग का। गहरी लंबी सांस लें, पूरी सांस को पेट पर भर जाने दें, छाती पर भर जाने दें, गर्दन तक सांस भर लें, और फिर धीरे धीरे पेट खाली करें, छाती खाली करें। सांस लें, पेट बाहर गुब्बारे की तरह, छाती पर पूरी सांस भरें, गर्दन तक सांस भरें, और ली हुई सांस को छोड़ें, पेट खाली, छाती खाली, और गर्दन तक से सांस छोड़ दी। इसी तरीके से इस अभ्यास को जारी रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और अपना ध्यान जब सांस लेंगे तो पेट पर पूरी सांस भर रही है ऐसा जानेंगे, छाती पर पूरी सांस भर रही है ऐसा जानेंगे, और गर्दन तक सांस भरने का मतलब यह है कि फेफड़े के ऊपरी हिस्से तक सांस भर गई है। और जब सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे तो पहले पेट को खाली करेंगे, फिर छाती को खाली करेंगे, और फिर गर्दन तक से यानी फेफड़े के ऊपरी हिस्से तक से सांस को पूरी की पूरी तरीके से खाली कर देंगे। और इसी अभ्यास को आपको हर दिन मिनिमम इसका अभ्यास 11 राउंड्स करना ही करना है। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस अभ्यास का कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, जितना मर्जी जब अभ्यास करें, बल्कि रात में सोने से पहले भी इसका अभ्यास करते हैं ना तो आपको बड़ी अच्छी प्यारी गहरी नींद आती है। और जिस इंसान की अच्छी प्यारी गहरी नींद हो उससे बीमारियाँ अपने आप दूर भागती हैं। अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर रख दें, आंखों को बंद रखते हुए जो हमने ये गहरी सांसें ली और सांसें छोड़ी, इसका जो इफ़ेक्ट महसूस कर रहे हैं आप अपने शरीर में उसको जानें। जब भी आप गहरी सांसें लेते हैं आप और अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, तो डजन मैटर आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है तो वो आपको सबसे पहले डिस्कस करना है क्लास ज्वाइन करने से पहले। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ और उनको उनकी हेल्थ कंडीशन से उभरने में मदद करती हूँ। अब वो हेल्थ कंडीशन चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक कंडीशन हो, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, ओबेसिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, पीरियड्स की समस्या, मीनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हॉर्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या, इन सारी समस्याओं से उभरने में योग आपको बहुत मदद करता है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग मेडिकेशन है उसके साथ योग का अभ्यास करें, आप देखें कितनी आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं सुबह 7 से 8, तो मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं बिगनर्स के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। इन कोर्सेज की जो जानकारी है मेरी वेबसाइट पर जाके आपको मिल जाएगी। इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस वक्त ज्वाइन करना है। जब भी आपको वक्त मिले इन कोर्सेज को परचेस करने के बाद आप अपना लॉगिन करें आईडी और पासवर्ड डाल के, और इन कोर्सेज को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। जब इन कोर्सेज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको मेरे वेबसाइट जो कि www.yogawithshahida.com है वहाँ पर मिल जाएगी, या कि आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो मेरी टीम के द्वारा, जो ये नीचे नंबर दिख रहा है इस नंबर पर, आपको पूरी की पूरी जानकारी मेरी टीम के द्वारा दे दी जाएगी।
हम कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास। रेशियो जो होगा वो होगा 1:1:2 का, यानी 4 काउंट तक सांस लेंगे, 4 काउंट तक सांसों को रोकेंगे और 8 काउंट तक सांसों को छोड़ देंगे। सांसों को छोड़ने का जो काम है वो थोड़ा लंबा होगा। जैसे ही सांसों को आप लंबी देर तक छोड़ते हैं, आने वाली सांसें और गहरी हो जाती हैं। तो आपने दाहिने हाथ से आपने विष्णु मुद्रा लगा ली। कैसे? ऐसे मुट्ठी बना लीजिए, तो छोटी वाली उंगली और उसके बगल वाली उंगली को ऐसे उठा लीजिए। अब अपने लेफ्ट पाम को घुटने पर रखिए, अपने थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़िए, कमर गर्दन को सीधी रखिएगा। अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, अपने एल्बो को चेस्ट के पास रखें ताकि आपके हाथ में दर्द ना हो। गहरी लंबी सांस लें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से, रोक लें सांसों को, दोनों नाक को बंद कर लें। अब सांस को अपनी राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे छोड़ दें। राइट नॉस्ट्रल से सांस लें, बंद कर लें दोनों नासिकाओं को और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोल के लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ दें, धीरे 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 धीरे। वापस से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लें, दोनों नासिकाओं को बंद करें, सांसों को रोक लें। अब अपनी राइट नॉस्ट्रल को खोलें और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। राइट नॉस्ट्रल से वापस से सांस ले लें पूरी, दोनों नासिकाओं को बंद कर लें और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोलें और बहुत धीरे धीरे आराम से कंट्रोल के साथ पूरी सांसें लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ दें। लेफ्ट नॉस्ट्रल से वापस से सांस लें, दोनों नासिकाओं को बंद कर लें, सांसों को रोकें। अपनी राइट नॉस्ट्रल यानी दाहिनी नासिका को खोलें और धीरे 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 पूरी सांस को छोड़ दें। सांस लें अपनी दाहिनी नासिका से, बंद कर लें दोनों नासिकाओं को। अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी बाईं नासिका को खोलें और पूरी सांस को छोड़ दें, धीरे 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 धीरे। वापस से सांस लें, रोक लें सांसों को और अपनी राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ दें। सांस लें वापस से अपनी राइट नॉस्ट्रल से, रोक लें सांसों को दोनों नासिकाओं को बंद करके और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। इसी तरीके से एक बार लेफ्ट से सांस लेना, रोकना, राइट से छोड़ना और वापस से राइट से लेना, रोकना, लेफ्ट से छोड़ना, ये एक चक्कर हुआ। जब आपके पास वक्त कम हो तो मिनिमम 9 या 11 राउंड्स इसके कर लें, 9 या 11 चक्कर ऐसे कर लें। जब वक्त ज़्यादा हो तो इसका अभ्यास कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर कर लिया करिए। इससे आपके मानसिक तनाव में बहुत कमी आएगी। जब मानसिक तनाव कम होगा तो उसके अलावा सारे के सारे हेल्थ कंडीशंस अपने आप कंट्रोल में होंगे। जब भी सांस लें और सांस छोड़ें तो जिस नासिका से सांस ले रहे हैं मन को उसी नासिका पर लेके आए और जिन नासिका से सांस छोड़ रहे हैं उसी नासिका पर अपने मन को लेके जाएं। जब जो काम करें तब उसी काम को देखें। इससे ओवरथिंकिंग की समस्या आपकी कंट्रोल होगी, मन में विचारों का आना जाना वो कंट्रोल में होगा, वो धीरे धीरे कम होगा। कंटिन्यू करें अभ्यास को। हाथ को घुटने पर रख के आंखों को तुरंत बिल्कुल भी ना खोलें, ना ही शरीर को हिलाएं डुलाएं, बल्कि इस वक्त अभ्यास के तुरंत बाद अपनी आंखों को बंद रख के अपनी सांसों को देखें। शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनकी जानकारी बना के रखें। एकदम शांत स्थिर रहें ताकि शरीर में जो भी बदलाव हुए हैं आप उन एक एक बदलाव को जान पाए, आप महसूस कर पाए कि मेरे खुद के शरीर में, मेरी खुद की सांसों में क्या क्या बदलाव हुए हैं इस अभ्यास की वजह से। मैंने कैसा महसूस किया
और इसके लिए जरूरी है आपका शांत रहना, स्थिर रहना। अभ्यास कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम का, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम को सोने से पहले मत कीजिए, क्योंकि इससे आप इसे झंझनाहट से आपकी ब्रेन सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो सोने का वक्त जो है वो आराम करने के लिए है, ब्रेन को रेस्ट करने के लिए है। इसका अभ्यास करने से आपकी ब्लड वेसल्स में जो टेंशन है वो कम होती है। तो जिन भी लोगों को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, एंग्जाइटी की समस्या है, उसमें बड़ी राहत मिलती है और गुड स्लीप को प्रमोट करता है भ्रामरी प्राणायाम। चलें, सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद करके षणमुखी मुद्रा अडॉप्ट करते हैं और 7 राउंड्स भ्रमर की आवाज़ करेंगे। बाहर की आवाज़ें नहीं सुनेंगे, सिर्फ जो आवाज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को अपने माथे पर, इस जगह पर, इस झंझनाहट को सुनेंगे, पतली आवाज़ निकालेंगे। पहली राउंड मैं कर रही हूँ, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। अपनी इंडेक्स फिंगर आईलिड के ऊपर, मिडिल फिंगर नाक के बेस पर, आपकी रिंग फिंगर अपर लिप्स, लिटिल फिंगर लोअर लिप्स, दोनों आपके अंगूठे कान के लिड को बंद कर लिए हैं। सांस लिया, ध्यान अपने माथे पर रखें। जो इस झंझनाहट का इफेक्ट है भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद, माथे पर जो एक झंझनाहट कंपन की वजह से माथा एकदम लाइट महसूस हो रहा है, इसकी जानकारी बना के रखें। शरीर को ना हिलाएं डुलाएं, हाथ को घुटने पर रखें। अब अगले 10 मिनट तक हम आनापान मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। जब आप आनापान मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो इसमें अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखते हैं। आना पान का मतलब ही हुआ अपनी सहज स्वाभाविक आती और जाती हुई सांसों को देखना। ये सबसे आसान ध्यान की पद्धति है जिसके सहारे हम अपने सांसों को देखते हैं, और सांसों को देखते देखते चंचल मन जो इधर उधर भटकता रहता है उसको केंद्रित करते हैं एक जगह जो कि है नासिका का द्वार। नासिका से आती और जाती हुई सहज स्वाभाविक सांस को बस देखना है। सांस को देखते 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 बीच में कई बार ऐसा होगा जब मन अचानक से अपने काम से भटक के
भूतकाल यानी पास्ट, भविष्यकाल यानी फ्यूचर में पहुंच जाए। और ऐसा सबके साथ होता है। शुरू शुरू में तो मन का भटकना बहुत जल्दी जल्दी होगा। जैसे ही आंख बंद की, सांसों को देखना शुरू किया, तो मन काफी फ्रीक्वेंटली भटकेगा। लेकिन जैसे जैसे बैठने की आदत बनती गई, तो फिर मन का भटकना धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी सिर्फ अगले 10 मिनट इतना करना है कि मुझे अपना पैर नहीं खोलना, हाथ नहीं खोलना, आंखों को नहीं खोलना, और बस शांति से बैठकर अपनी नासिका के द्वार से जितनी जैसी सांस आ जाए और जितनी जैसी सांस चली जाए, बस उसको देखना है।